हेलो स्टूडेंट्स uh, अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो अमेंडमेंट रिटर्न्स ऑफ इनकम के चैप्टर में आई है छोटा सा चैप्टर है वैसे भी और इसमें अमेंडमेंट के नाम पर सिर्फ एक अमेंडमेंट आई है लेट्स स्टार्ट विद द स्लाइड शो तो जो रिटर्न्स uh, के चैप्टर में अमेंडमेंट है वो सिर्फ एक बस ये एक इकलौती स्लाइड की चेंज है वो ये कि अगर आपने रिटर्न भरते वक्त जो टैक्स बनता है आपके खुद के हिसाब से विच इज कॉल्ड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भाई जब आप रिटर्न भरोगे तो उसका टैक्स तो कैलकुलेट करोगे ना यू विल डेफिनेटली कैलकुलेट हाउ मच इज द टैक्स इंटरेस्ट एक्सेट्रा इज पेबल तो जो बनता है पैसे वो तो दो अगर आप सिंपल एक रिटर्न भर देते हो और पैसे ढंग से देते नहीं हो तो उसको रिटर्न को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है भाई ये रिटर्न ठीक नहीं मानी जाएगी इट इज़ अ डिफेक्टिव रिटर्न एज इफ नो रिटर्न हैज़ बीन फाइल्ड तो मैं इसको सिंपल पढ़ देता हूँ बस इतना ही है एज पर अमेंडमेंट अ रिटर्न इज डिफेक्टिव अनलेस द टैक्स एंड इंटरेस्ट इफ़ एनी पेबल एज पर सेक्शन वन फोर्टी दैट इज सेल्फ असेसमेंट टैक्स हैज़ बीन पेड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिटर्न सिंपल सी बात यह है मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ कि जब आप रिटर्न भरने जा रहे हो तो उस दिन या उससे पहले टैक्स जमा कराओ उसके प्रूफ के साथ रिटर्न फाइल करो आप रिटर्न भर देते हो टैक्स देते नहीं हो उसकी कोई वैल्यू नहीं है इट इज़ ए डिफेक्टिव रिटर्न दिस रिटर्न इज लाइक नो रिटर्न मतलब वो आपको दोबारा ही भरनी पड़ेगी जब आप टैक्स जमा करते हो उसके बाद इतनी सी बात है बस बाकी सारा रिटर्न्स का चैप्टर एज इट इज़ है आपको जो वीडियोस दी गई हैं दे आर सफिशिएंट इससे ज़्यादा कोई चेंज असेसमेंट ईयर 14 15 में एप्लीकेबल नहीं है थैंक यू